अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दबाएं बेल आइकन और देखें वीडियो सबसे पहले। आपकी राशि मेष है तो इस मास में आर्थिक तंगी रहेगी, क्रोध व विवाद से बचें वरना हानि उठानी, स्वास्थ्य नरम रहेगा, अचानक धन लाभ होगा, स्त्री को कष्ट रहेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, व्यापार यथावत रहेगा, यात्रा में थकान होगी। इस महीने की 1-3, 11, 12, 20, 21, 28 से 30 तारीख में सजग रहें। मास की बाधाओं से बचने के लिए केसर का टीका लगाएं, हनुमान चालीसा कर नित्य पाठ करें, वजन का दसवां भाग जो बहते पानी में बहाएं। आपकी राशि वृष है तो इस मास में पेट खराब रह सकता है, व्यापार ठीक रहेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, शत्रु निर्बल होंगे, स्त्री से सुख मिलेगा, शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न होगा, संतान की चिंता रहेगी। 1, 4, 5, 13, 14, 22, 23, 31 तारीख में सतर्क रहें। मास की बाधाओं से बचने के लिए दुर्गा उपासना करें व कन्याओं को जिमाएं, चांदी के तावीज में साबुदाने चावल के भर के गले में धारण करें। आपकी राशि मिथुन है तो इस मास में वात विकार से शरीर में कष्ट होगा, धन हानि होगी, संतान से सुख मिलेगा, आर्थिक चिंता रहेगी, अनेक बाधाएं आएंगी, मित्रों से सहायता लेनी पड़ेगी, यात्रा लाभप्रद रहेगी, संतान को कष्ट होगा, मन में चिंताएं रहेंगी। मास की 6 से 8, 15, 16, 17, 24 और 25 में सतर्क रहें। मास की बाधाओं से बचने के लिए कन्याएं जिमाएं, चांदी की ठोस गोली गले में धारण। आपकी राशि कर्क है तो इस मास में खर्चे बढ़ जाएंगे, सेहत ठीक रहेगी, स्वजनों से सुख मिलेगा, राज्य से बाधा हो सकती है, स्त्री से सुख रहेगा, व्यापार में परिवर्तन करेंगे, नए संपर्क काम आएंगे व भविष्य में लाभ होगा। मास की 9, 10, 18, 19, 26 और 27 तारीख में सजग रहें। मास की बाधाओं से बचने के लिए केसर का तिलक लगाएं, हनुमान उपासना करें, चांदी के तावीज में साबुदाने चावल के भरकर गले में धारण करें। आपकी राशि सिंह है तो इस मास में घर में कलेश होगा, क्रोध से हानि होगी, सेहत ठीक रहेगी, खर्च बढ़ जाएंगे, स्त्री से लाभ होगा, अचानक यात्रा करेंगे, यात्रा में बाधाएं आएंगी, स्वजनों से अनबन होगी, शुभ समाचार मिलने की खुशी होगी। मास की 1 से 3, 11, 12, 20, 21, 28 से 30 तारीख में सतर्क रहें। केसर का तिलक लगाएं, हनुमान उपासना करें, खाना किचन में बैठकर खाएं। आपकी राशि कन्या है तो इस महीने आपकी सेहत ठीक रहेगी, धन लाभ होगा, नया कार करने की सोचेंगे, कर्जा लेंगे, स्त्री को कष्ट होगा, अशुभ समाचार मिलने से दुखी होंगे, विवाद से बचें वरना संबंध बिगड़ेंगे। मास की 1, 4, 5, 13, 14, 22, 23, 31 में सतर्क रहें। मास की बाधाओं से बचने के लिए दुर्गा उपासना करें, केसर का तिलक लगाएं, बाएं हाथ में सोने का छल्ला धारण करें। आपकी राशि तुला है तो इस मास में स्त्री से अनबन रहेगी, यात्रा में कष्ट होगा, पेट खराब रहेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, मुकदमेबाजी से परेशान होंगे, राज्य से भय रहेगा, यात्रा में खर्च बढ़ेगा, प्रिय वस्तु खोने की संभावना है। मास की 6 से 8, 15 से 17, 24 और 25 तारीख में सतर्क रहें। मास की बाधाओं से बचने के लिए दुर्गा उपासना करें, शुक्र मंत्र का जाप करें, पीतल के लोटे में गंगा जल भरकर उत्तर दिशा में रखें। आपकी राशि वृश्चिक है तो इस मास में स्त्री से अनबन रहेगी, हानि से मन स्थाप होगा, सेहत ठीक रहेगी, आय व्यय बराबर रहेगा, स्त्री से सुलह करने की कोशिश करेंगे, मास के अंत में बाधाएं दूर हो जाएंगी, रुके कार्य बन जाएंगे, पुराने मित्रों से लाभ होगा, यात्रा लाभप्रद रहेगी। मास की 9, 10, 18, 19, 26, 27 तारीख में सतर्क रहें। मास की बाधाओं से बचने के लिए केसर का तिलक लगाएं, चने की दाल बहते पानी में बहाएं। आपकी राशि धनु है तो इस मास में
आपके रुके कार्य बन जाएंगे, भाई से सुख मिलेगा, संतान की चिंता रहेगी, कफ विकार से परेशान रहेंगे, हाथ तंग रहेगा, स्त्री से सुख मिलेगा, व्यापार यथावत रहेगा, शत्रु परेशान करेंगे। मास की 1 से 3, 11, 12, 20, 21, 28 से 30 तारीख में सतर्क रहें। बाधाओं से बचने के लिए केसर का तिलक लगाएं, विष्णु उपासना करें, वजन का 10वां भाग जौ नदी या नहर में बहाएं। आपकी राशि मकर है तो इस मास में आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कर्जा बढ़ेगा, स्वजनों से अनबन रहेगी, संतान से सुख मिलेगा, आय से अधिक खर्चा होगा, पत्नी से सहयोग मिलेगा। मास की 1, 4, 5, 13, 14, 22, 23 व 31 तारीख में सतर्क रहें। मास की बाधाओं से बचने के लिए दुर्गा उपासना करें, कन्याएं जिमाएं, चांदी के लोटे में चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर गंगा जल भरें और कम होने पर पूरा करें। आपकी राशि कुंभ है तो इस मास में स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नई योजना पर कार्य करेंगे, भाई से विवाद होगा, स्त्री सुख मिलेगा, खर्च बढ़ेंगे, माता पिता की चिंता होगी, यात्रा कष्टप्रद होगी, खर्च बढ़ने से हाथ तंग हो जाएगा, लाभ होने से राहत मिलेगी। मास की 6 से 8, 15, 16, 17, 24, 25 तारीख में सतर्क रहें। बाधाओं से बचने के लिए केसर का तिलक लगाएं, पॉकेट में कांच की गोली रखें। आपकी राशि मीन है तो इस मास में शत्रु आपको परेशान करेंगे, शरीर में कष्ट होगा, धन लाभ होने पर फिर हानि हो जाएगी, स्त्री को कष्ट रहेगा, अचानक यात्रा करेंगे, संतान की चिंता सताएगी, कर्ज ले सकते हैं। मास की 9, 10, 18, 19, 26, 27 तारीख में सतर्क रहें। बाधाओं से बचने के लिए विष्णु उपासना करें, गुरु मंत्र का जाप करें, चांदी के लोटे में गंगा जल भरकर उत्तर दिशा में रखें।